श्री हनुमान जी की शक्तियां अपरंपार हैं, उसकी कोई सीमा नहीं। तभी तो उन्हें कलयुग का देवता माना जाता है और कहा जाता है कि जो नर नारी शनिवार के दिन श्री हनुमान जी के दर्शन कर ले तो उसकी सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में भी लिखा है कि जब श्री राम जी को सीता मैया की खोज में लंका का पता लगाना था और उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, तब जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी शक्तियां याद दिलाई। तब हनुमान जी ने समुद्र के रास्ते सीता मैया की खबर श्री राम जी तक पहुंचाई। उन्हें चिरंजीवी भी माना जाता है, अर्थात वो आज भी जीवित हैं। भूत प्रेत उनके करीब आने से भी डरते हैं। पुरुष के लिए वो देवता, औरत के लिए वो भाई और पिता के रूप में पूजे जाते हैं। ऋषपति कहे सुनो हनुमाना, का चुप साधे रहूं बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सुकाज कथी जग माही, जो नहीं होती तात तुम पाही। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय। बहन, कैसी है आपकी बच्ची? आपको याद है पंडित जी, ये कोई भूलने वाली बात तो थी नहीं। मैंने जो उपाय बताया था आप लोगों ने वो किया ना? जी पंडित जी, मैंने उसके कमरे में हनुमान जी की मूर्ति रखवा दी है और उसे हनुमान चालीसा देकर समझा दिया है। जब भी समय मिले दिन में एक बार हनुमान चालीसा जरूर पढ़ लिया करे। क्या हुआ पंडित जी, आपको मुझसे कुछ कहना है? बहन, मुझे लगता है कि आपकी भांजी ने आपकी बात पर ध्यान नहीं दिया। आपको ऐसा क्या दिखाई दे रहा है पंडित जी? संकट की घड़ियां, जैसे जैसे कोई मौत का साया उस बच्ची के सर पर मंडरा रहा हो। मौत का साया? हाँ, उससे कहो कि हनुमान चालीसा पढ़ा करे। जागर राम दूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंच जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, काम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनि देखो रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम मिलाए राजपद दीन्हा, मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, युग सहस्र योजन परवानो, लील्यो ताहि मधुर बल जानो, प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही, जल दिलांद गए अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते, राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना गो बिन पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज संहारो आपे, दीन हो लोक हाकते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, रोग हरे सब पीरा, जब निरंतर हनुमत मेरा, संकट पे हनुमान छुड़ावे, मन तम वचन ध्यान जोलावे, तब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जग प्रताप तुम्हारा है, पर सिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा,
उमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख विसरावे अंत काल रघुबर पुर जाई कहा जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित्तन धरई हनुमत से ही सर्व सुख करई सकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव किनाई जो शत बार पाठ कर कोई छूट ही बंदी महासुख होई जोय पड़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरी सा तुलसीदास सदा हर चेरा कीजे नाथ हृदय महडेरा पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसु ऐसा हो ही नहीं सकता नहीं ऐसा ही हो रहा है ये जो अलौकिक असामान्य घटनाएं हमारे साथ हो रही है ना इन सब का सामना करे बगैर हमारे पास और कोई रास्ता ही नहीं है देविका जो तुम कह रही हो पता है कितना झूठा और असत्य है ये सारी घटनाएं झूठ और असत्य है अरे इन सब के पीछे कोई कोई तर्क या कोई मतलब तो हो इस सारे भूत प्रेत आत्मा ये सब फरेब है नहीं करी ये सब बकवास नहीं है संदीप 2 साल पहले मर चुका था लेकिन फिर भी हमने उसे देखा ये झूठ और असत्य बिल्कुल नहीं है लेकिन क्या इसका मतलब सही कहा तुमने संदीप को मरे हुए 2 साल हो गए लेकिन फिर भी हमने उसे देखा उससे बातें की उसकी रैगिंग की यहां तक कि उसके बदन में गोलियां भी उतारी लेकिन अगर वो आत्मा थी या था जो भी हो साला कॉलेज में रैंप वॉक करने आया था सब बकवास है करीम कोई और हमें ये बात कहता ना तो हम भी कहते बकवास लेकिन हमने उसकी कब्र देखी उसके घर गए उसकी माँ से मिले और सच्चाई यही है कि संदीप 2 साल पहले मर चुका है पर गाइस सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि हम सब ही क्यों संदीप ने बाकी सारे स्टूडेंट्स को छोड़कर हम 5 को ही क्यों चुना हम इस राज को और करीब से पढ़ना होगा आज भी कुछ ऐसा है जो हमें नजर नहीं आ रहा है मैं बताता हूँ ये सब एक चाल और एक साजिश है हमें फंसाया जा रहा है संदीप का हमें उसके सबसे बड़े और भयानक डर के बारे में बताना और उसके बाद हम ही से उस कब्र में कील ठुकवाना कम ऑन गाइस ये सब एक साजिश नहीं है तो क्या है साजिश तू कहना क्या चाहता है हमें उसके घर दोबारा जाना होगा घर अब घर क्यों जाना पड़ेगा भाई तू मुझे बता तू कोई ऐसी जगह जानता है जिसके साथ उसका कोई संबंध या कोई रिलेशन हो नहीं ना तो किसी ने उसे देखा और ना ही कोई उसे जानता था सिवाय हमारे सिर्फ हम ही ने उसे देखा था अरे गाइस मेरी बात मानो एक घर ही ऐसी जगह है जहां हमें उसकी यादें मिलेंगी अरे तू पागल हो गया क्या करण अरे तुम सब लोग अपनी मौत को दावत दे रहे हो यार मेरी बात मानो रहने दो प्लीज तुम्हें पता है मुझे ऐसा लगता है कि एक अंधेरा हमें चारों ओर से घेर रहा है उसके घर जाना मतलब मौत को दावत देना जैसा है गौरव सिर्फ एक तू ही नहीं है जो डरा हुआ है हम सब डरे हुए हैं लेकिन अगर हम इस दलदल से बाहर ही निकले ना तो इसमें और फंसते जाएंगे सिर्फ एक ही रास्ता है इससे निकलने का हमें उसके घर जाना होगा ठीक है तुम लोगों को जो करना करो मैं नहीं आने वाला समझे गौरव गौरव मेरी गौरव बात तो सुनो गौरव गाइस शायद जो भी हो मुझे तो ये लगता है कि किसी ने हमारे साथ बहुत भद्दा मजाक किया मजाक तुम्हें ये सब कुछ मजाक लग रहा है जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है जिसे हमने अपने हाथों से दफनाया और जो 2 साल पहले ही मर चुका है फिर भी हम 5 ने उसे देखा और उससे बात भी की ये सब कुछ मजाक नहीं है करीम ये मजाक से कहीं ज्यादा है वजह कुछ और ही है वजह चाहे जो भी हो आज चलते ना उसके घर पर और पता लगाते हैं संदीप का चक्कर क्या है जिंदा है या मुर्दा
कुछ नहीं देविका, हवा है। यहां तो ताला लगा है। पर आंटी कहां चली गई? आंटी जहां भी गई हैं सही टाइम पे गई हैं। घर पर कोई भी नहीं है, हम लोग किसी भी तरह घर के अंदर घुसते हैं और पूरा घर छान लेते हैं। क्या तुम पागल हो गए हो क्या करीम? नहीं, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। ओ मैडम, ये सही और गलत का लेक्चर सुनाना बंद करो। जो करने आए करते हैं और निकलते हैं, क्या बोलता है करण? देविका, देविका करीम सही कह रहा है, आज नहीं तो कभी नहीं, ये मौका हमें दोबारा नहीं मिलेगा। शायद पीछे की तरफ से कोई रास्ता है, हमें देखना चाहिए। अब ठीक है देविका। ठीक है, पर जो भी करना होगा बहुत सोच समझ के करना होगा। Hey guys, हमने रास्ता नहीं, रास्ता ने हमें ढूंढ लिया। कम करण, देविका कुछ नहीं होगा, चलो। सुनी, लगता है वहां से आई है, चल देखते हैं। आ,
से आ रही आवाज। संदीप ने अपनी जिंदगी का एम्बिशन चार्ट बनाया। पर इसमें तो सिर्फ 19th एज तक टिकमा किया हुआ है। गाइस, हमें इस पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो अच्छा हुआ कि तुम लोगों ने दारू नहीं पी। तुम्हारी अल्कोहल रिपोर्ट्स नेगेटिव आई हैं। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, इतनी रात गए, इतनी बरसात में सुनसान सड़क पर अंधाधुंध गाड़ी क्यों चला रहे थे तुम? वो सर सर
हाँ बोलो। गलती मेरी है सर। एक्चुअली बारिश बहुत जोर से हो रही थी और बातों बातों में मेरा ध्यान भटक गया और आपकी गाड़ी के साथ। आई एम रियली सॉरी सर। दिस टाइम आई एम लेटिंग यू गो, बड़ा आइंदा ध्यान रखना। और हाँ, तुम्हारी 5 की मंडली है ना, बाकी के 2 कहाँ गए? वो सर, वो दोनों घर पे हैं सर। वो घर पर हैं और तुम लोग इस वक्त थाने में। जरा सोचा है कभी कि माँ बाप को पता चला तो क्या सोचेंगे? नहीं सर, वो एक्चुअली मुझे ड्राइव पर जाना था तो मैंने इन दोनों को भी साथ में घसीट लिया। ये मरीन ड्राइव नहीं है और गाड़ी चलाने वाले के लिए ये मेरी लास्ट वार्निंग है। You may leave now. Thank you, sir. Thank you, sir. Sir, उस दिन जब आप हमारे कॉलेज आए थे पूछताछ करने, तब हम 6 लोग थे, 5 नहीं। Excuse me. मैं जितना अपनी याददाश्त के लिए मशहूर हूं उतना ही बदनाम भी। उस दिन जब मैं कॉलेज आया था तो तुम लोग सिर्फ 5 लोग थे कॉरिडोर में और वहां कोई छटा नहीं था। देविका आ जाओ बेटा, सूप तैयार है। नहीं मासी, मुझे भूख नहीं है। तुमने खाना भी ठीक से नहीं खाया, तुम आजकल की लड़कियां भी ना। ठीक है मासी, आप एक काम कीजिए, आप वहीं पर रख दीजिए, मैं बाद में पी लूंगी। देविका, तुम हनुमान चालीसा तो पढ़ रही हो ना? वो मासी, मैं देखो देविका, मुझे पता है बेटा कि तुम बहुत बिजी हो, लेकिन पूरे दिन में थोड़ा सा समय निकालकर एक बार हनुमान चालीसा जरूर पढ़ लिया करो। ठीक है मासी। मासी, क्या हुआ बेटा? मासी, क्या आत्माएं सच में होती है? ये अचानक ऐसे सवाल क्यों कर रही हो देविका? प्लीज मासी, बताओ ना, क्या आत्माएं, भूत प्रेत, ये सब सच में होते हैं? हाँ देविका, आत्माएं होती हैं। पर क्यों, मतलब कैसे? कहते हैं जब किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है, यानी कि वक्त से पहले मौत, किसी हादसे या एक्सीडेंट की वजह से हो जाती है, तो वो आत्मा भटकती है जब तक उसका जीवन काल चक्र समाप्त नहीं हो जाता। जीवन काल चक्र, वो क्या होता है? जीवन काल चक्र का मतलब किसी की आयु से है। अगर किसी की आयु 100 वर्ष की है मगर उसकी मौत कोई भी वजह से उससे पहले हो जाती है, तो मरने वाले की आत्मा को तब तक भटकना पड़ता है जब तक उसके 100 वर्ष पूरे नहीं हो जाते। पर मासी, क्या उस आत्मा को मुक्त करने का कोई उपाय नहीं है? उपाय है, अगर मरने वाले का अंतिम संस्कार पूरे विधि विधान के साथ किया जाए तो उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाती है, वरना अतृप्त आत्मा भटकती रहती है। और हमारे शास्त्रों के अनुसार अगर उसकी कोई इच्छा अधूरी रह जाती है तो भी उसे मुक्ति नहीं मिलती।
उसे भटकना पड़ता है। क्या हुआ देविका, कहाँ खो गई? कहीं नहीं मासी, कुछ नहीं। देविका, एक तरफ तुम कहती हो सब कुछ ठीक है और दूसरी तरफ तुम मुझसे आत्मा और प्रेतों के बारे में जानना चाहती हो। नहीं मासी, ऐसा तो कुछ नहीं है। वो हाँ, आज मैं लाइब्रेरी में आत्माओं के बारे में पढ़ रही थी तो वही मेरे दिमाग में चल रहा था, तो वही क्लियर करने के लिए मैंने आपसे पूछ लिया। ठीक है, अब सूप पीकर सो जाओ, रात बहुत हो चुकी है, मैं भी चलती हूँ, तुम्हारी मम्मी को आने में देर हो जाएगी। गुड नाइट। गुड नाइट। आत्मा कोई इच्छा पूरी ना होने की वजह से भटक रही है, और अगर यही सच है तो हम पांचों का उसकी उस इच्छा से क्या रिश्ता है? ललिता भाई, अरे ललिता भाई, क्या दरवाजा खोलने में इतना टाइम? क्या ललिता भाई, अंदर किचन में खाना बना रही थी बाबा। खाना तो बनाई है ना, पर अपने कान भी तो खुले रखिए ना। आज बाबा को क्या हो गया? ललिता भाई, कौन है? कोई नहीं बाबा, कोई नहीं था। ललिता भाई, मेरा खाना लगा दो। ठीक है बाबा, लाती हूँ। ललिता भाई, खाना जल्दी लेके आ रूम में, भूख लगी है।
ललिता बाई, अरे कितनी बार बोला है खाने के साथ पानी लाया करो। ललिता बाई पानी लाओ यार। मिट्टी का निशान, मुझे लड़की बनाने का बहुत शौक था ना तुझे, देख मैं खुद ही तेरी इच्छा पूरी करने आ गया। दिन पूल में उसने मुझ पर अटैक किया था और अब देखो गौरव की क्या हालत हो गई है। मैं कह रही हूं तुम सबसे, तुम सब लोग मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हो? करण, करण तुम कुछ करते क्यों नहीं हो? अरे वो मार डालेगा हम सबको, मुझे भी मार डालेगा, हम सबको मार डालेगा। शांत जसवाती, ऐसे डरने से कुछ नहीं होगा। अगर मैं सीढ़ियों से गिरा नहीं होता और बेहोश नहीं होता, वो मुझे मार चुका होता। You would have killed me.
अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया कि वो जरूर एक आत्मा है। मुझे नहीं समझ आ रहा कि आत्मा हमारे पीछे क्यों पड़ी है। अब तो मैं इस चोट की वजह से भाग भी नहीं सकता यार। तो टेंशन मत ले गौरव। अरे इस भूत प्रेत से लड़ने के लिए पता नहीं कितने तरीके हैं। अब मुझे पता है कि इस संदीप से भी लड़ने का कोई तो हथियार होगा। जस्ट दिमाग दौड़ाओ बस। एक रास्ता है। करो तो आज शाम डिस्चार्ज हो रहा है ना? हाँ। सब लोग सुन लो, आज शाम को मेरे घर पर वही एक रास्ता बचा है। करण सब कुछ ठीक से सोच तो लिया है ना? और कोई रास्ता है किसी के पास? मुझे तो लगता था कि तू इन सब बातों में विश्वास ही नहीं करता। सही कहा तूने, नहीं मानता हूं। लेकिन उस दिन इंटरनेट पर रिसर्च कर रहा था आत्माओं पर, और तब ये सामने आया। प्लांचेट क्या था इसे? इतना तो समझ में आया कि ये हमारी सहायता जरूर करता है, पर और ढंग से समझाओ ना। ये संदीप की आत्मा को बुलाने में हमारी मदद करेगा। लेकिन उसकी आत्मा को बुला के हम करेंगे क्या? सवाल करेंगे और हल ढूंढेंगे, और खासकर हम उस संदीप सिकंद से बात करेंगे। वाओ, ऐसा भी हो सकता है क्या? पर कैसे? हम सबको अपनी आंखें बंद करनी होगी, फोकस करना होगा, बहुत ध्यान से अपने मन से सब कुछ निकाल दो। और हाँ, ये जो सिक्का है, इस पर अपनी उंगली रखना और संदीप पे ध्यान लगाना होगा और उसे बुलाना होगा बस। और फिर उससे हम बातचीत करके अपने सवालों का जवाब भी ले लेंगे, फिर काम खत्म। सब अपने अपने घर जाओ, खाओ पियो और सो जाओ। तू भी ना करण, तेरे को और कुछ नहीं मिला? गाइज ये कोई मस्ती मजाक नहीं है, लेट्स बी सीरियस। इस खेल के कुछ नियम हैं। सबसे पहला नियम, हम सबको अपनी उंगली इस कॉइन पर रखनी है। दूसरा नियम, जब ये शुरू हो जाएगा तो हम सबकी उंगली सिक्के पे होगी और बीच में कोई भी अपनी उंगली नहीं उठाएगा, और जब उंगली उठाएगा तो सब साथ में उठाएंगे। और हां, सबसे अहम बात, ये काम रात के 12 बजे से पहले खत्म हो जाना चाहिए। कोई मस्ती मजाक नहीं करीम। Okay, fine. Here. I'm serious. Let's do it. Okay, guys. Ready? कोई इसे जानबूझ के नहीं हिलाएगा। जब ये शुरू होगा ना तो ये मोमबत्ती का फ्लेम तिल मिलाएगा और जो सिक्का है वो अपने आप हिलना शुरू हो जाएगा। जब वो हिलेगा इसका मतलब वो आ गया। सब लोग अपनी आंखें बंद करो, संदीप पे ध्यान लगाओ, उसे पलाओ। संदीप सिकंद की आत्मा को हम बुलाना चाहते हैं। संदीप सिकंद की आत्मा को हम बुलाना चाहते हैं। संदीप सिकंद की आत्मा को हम बुलाना चाहते हैं। बारह बज गए, वक्त निकल गया। इट्स ओके करण, एटलीस्ट आज हम लोगों ने ट्राई तो किया, कल फिर से ट्राई कर लेंगे। ठीक है करण, मैं चलता हूं, तो अपना ध्यान रखना। करीम, इस लड़ाई में मुझे तेरी सख्त जरूरत है। टेक केयर गौरव। सी यू।
तुझे क्या लगता है स्वाति, ये प्लांचिन व्लांचिन काम करेगा? अगर हम कोशिश करेंगे तो हो सकता है, जरूर होगा यार। तुम ये कैसे कह सकती हो? कि इस बार मैंने गेम खेलते खेलते अपनी उंगली उठा ली थी। क्या? रिलैक्स यार, कुछ हुआ तो नहीं। और आई एम सॉरी, मैं डर गई थी। तुम ना स्वाति, सच में। आराम से, हाँ ध्यान से। जब ये शुरू होगा ना तो ये मोमबत्ती का फ्लेम तेल में लाएगा और जो सिक्का है वो अपने आप हिलना शुरू हो जाएगा। जब वो हिलेगा इसका मतलब वो आ गया। तूने मुझे बुलाया था ना? ले, मैं आ गया। किसी को नहीं छोड़ूंगा।